मेरे पास स्वागत है आपका और मथुरा से आ रही खबर इस वक्त आप तक पहुंचा देते हैं। बड़ी खबर जिसमें कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। राधा रानी पर दिया विवादित बयान, जिस पर साधु संतों ने अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी, नाराजगी दिखाई थी। बीते कई दिनों से इस पूरे मामले पर घिरे हुए थे पंडित प्रदीप मिश्रा, और अब देखिए आखिरकार उन्होंने माफी मांग ली है। इससे पहले भी माफी मांगी थी पंडित प्रदीप मिश्रा ने, लेकिन फिर भी लोगों की नाराजगी कम ही नहीं हो रही थी। 14 साल पुराना वो कथा का वीडियो जो सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से वायरल हुआ, जिस पर लोगों ने न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश, राजस्थान और देश के तमाम राज्यों में अपना आक्रोश दिखाया। जगह जगह पर आपने देखा कथावाचक प्रदीप मिश्रा के खिलाफ नारेबाजी शुरू होगी, और अब आखिरकार अयोध्या पहुंचकर माफी मांगी है कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने। विवादित बयान पर, राधा रानी पर जो विवादित टिप्पणी दी थी, बरसाना पहुंचकर माफी मांगी है कथावाचक। क्योंकि आपको बता देते हैं, बरसाना में कथावाचक प्रदीप मिश्रा के आने पर बैन लगाने की मांग की जा रही थी, और अब इसी बीच देखिए माफी मांग ली है। साधु संतों के बीच में सबसे बड़ी नाराजगी थी, और सबसे बड़ा विवाद तो देखा गया था प्रेमानंद महाराज, प्रेमानंद ने जब अपनी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी कथावाचक प्रदीप मिश्रा के उस विवादित वीडियो के वायरल होने के बाद। नितिन गौतम और जानकारी के साथ ऑनलाइन पर इस समय मौजूद हैं। नितिन गौतम, क्या कुछ इस समय बरसाना में चल रहा है? अब तो माफी मांग ली है, क्या अब लोगों की नाराजगी कम हुई है प्रदीप मिश्रा के खिलाफ? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जो विवादित बयान प्रदीप मिश्रा ने दिया था, उसको लेकर लोगों में आक्रोश था, संतों में आक्रोश होने के साथ साथ अगर हम बात करें तो सारे ब्रजवासियों में आक्रोश था। उसके बाद महापंचायत में ऐलान किया गया था कि अगर प्रदीप मिश्रा 3-4 दिन के अंदर बरसाना अगर माफी नहीं मांगते हैं तो उनका बहिष्कार किया जाएगा, उनका जगह जगह कार्यक्रम को विरोध किया जाएगा। लिहाजा इस संबंध में जो संत थे, महाराज थे, महंत थे, उन्होंने ऐसा चीज को भी ऐलान किया था, और उन्होंने कहा था कि अगर आपने इस मामले में FIR नहीं करी तो जो संत समाज है वो हाईवे जाम करेगा, रेल रोकेगा, और तमाम जिस तरीके से आंदोलन हुआ वो करेगा। ले उसी आंदोलन के तहत जो है, जो आंदोलन की शुरुआत SSP से मिले थे साधु संत, और उसके बाद मालूम पड़ा कि ठीक है। नितिन, एक बार ये विस्तार से बताइए, आराम से बताइए, और कि बरसाना में क्या हुआ है, प्रदीप मिश्रा जो वहां पहुंचे हैं वहां कौन कौन मौजूद था, साधु संतों में कौन बड़ा चेहरा वहां पर मौजूद था जहां पर पहुंच के उन्होंने माफी मांगी है आज? जी देखिए, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि प्रदीप मिश्रा का आज एक प्रोग्राम बना था, आज साधु संतों ने 1 घंटे की SSP से मुलाकात करी थी और इस मामले में FIR करने की मांग करी थी। उसके बाद SSP ने उन सारे जो साधु संत थे, महंत थे, तीर्थ के जो पदाधिकारी थे, उन सबको बरसाना रानी मंदिर भेजा और बताया कि प्रदीप मिश्रा संभवतः आज बरसाना आ सकते हैं। लिहाजा कुछ ही देर में प्रदीप मिश्रा बरसाना राधा रानी मंदिर पहुंचे, जहां पर उन्होंने श्री जी जो है उनके सामने ढोक लगाई, राधा रानी के सामने साष्टांग प्रणाम किया और माफी मांगी है। जिस तरीके का जो साधु संतों ने या ब्रजवासियों ने कहा था कि नाक रगड़ कर प्रदीप मिश्रा को माफी मांगनी करेगी, उसी प्रकार से आज प्रदीप मिश्रा राधा रानी मंदिर पहुंचे। बहुत शुक्रिया आपका नितिन, तमाम जानकारी के लिए। और मथुरा पर पहुंचकर, बरसाना पहुंचकर प्रदीप मिश्रा ने क्या कहा, सुनिए। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। आज आप आए थे राधा रानी के दरबार में, क्या कुछ रहा, क्या कहना चाहिए? राधा रानी का दर्शन किया, बरसाने की पवित्र भूमि को प्रणाम किया, नमन किया और महारानी जी से माफी मांगी कि हमारे शब्द से कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा करिएगा। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। मेरी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लालू जी से क्षमा चाहता हूँ। तो आखिरकार अब माफी मांग ली है अब राधा रानी पर जो विवादित बयान दिया था पंडित प्रदीप मिश्रा ने, अब देखना होगा कि लोगों की नाराजगी कम होती है या नहीं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। झांसी में बीते कई दिनों से लगातार बारिश भी हो रही है और बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, साथ ही साथ बारिश होने से किसानों के चेहरे भी खिल उठे हैं। तेज बारिश ने उमस भरी गर्मी से भी लोगों को काफी निजात दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर पहली ही बरसात ने नगर पालिका की तैयारियों की पोल खोल दी है। सिर्फ 2 घंटे की बारिश ने शहर को जाम कर दिया।
मेन रोड पर कई फुट तक पानी भरा रहा। बारिश का पानी दुकानों के अंदर घुस गया, लोगों के घरों के अंदर घुस गया। बरसात से पहले नगरपालिका ने दावे किए थे कि नालों की साफ सफाई कर दी गई है, लेकिन फिर भी जगह जगह पर जलभराव चिंता का विषय है। और ये कह सकते हैं आप कि नगरपालिका के दावों की पोल भी खुल गई है। अमरोहा में नगरपालिका की टीम ने अवैध निर्माण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत घर के बाहर निकले छज्जे और अवैध रूप से बनी सीढ़ियों को ध्वस्त किया गया है। इस दौरान नगरपालिका की टीम और कई मकान मालिकों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। कार्रवाई के दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात था और साथ ही साथ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के मुताबिक अतिक्रमण हटाओ अभियान बदस्तूर जारी रहेगा। हमारे वार्डों में कई सड़कें जो है, नाले जो है, वो वर्तमान समय में प्रक्रियाधीन है, बन रहे हैं। जबकि नालों पे लोगों द्वारा इंक्रोचमेंट कर रखा गया है तो नाले नहीं बन पा रहे थे, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए छंगा दरवाजा में सड़क बननी है, नाला बनना है, वहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा शिकायत की जा रही थी, तो उसी को दृष्टि में रखते हुए आज नगर पालिका द्वारा अभियान चलाया गया। और छंगा दरवाजे में जो सड़क बननी थी उस पर जो भी अतिक्रमण था, आज हमारी टीम के द्वारा जेई जलकल पूरी टीम ने मिलकर जो अमरोहा के बाद खबर मुरादाबाद से, जहां पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। आरोप के मुताबिक पिछले दिनों दबंगों ने घर में घुसकर लड़की को अगवा करने की कोशिश की थी और विरोध करने पर उसके परिजनों को गोली मार दी गई थी। अब इस पूरे मामले की जांच के दौरान आरोपियों पर जमीन कब्जाने का जो खुलासा हुआ, जांच के बाद पुलिस और राजस्व विभाग की टीम ने आरोपियों के अवैध कब्जे पर बुलडोजर चला दिया। इस मामले में मुंडा पांडे थाने के मौजूदा प्रभारी और तत्कालीन थाना प्रभारी को सस्पेंड कर दिया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर दिया गया है। पुलिस के मुख्य आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित करने की जानकारी है। इसमें 5 टीमों का गठन किया गया है। जो मुख्य अभियुक्त है उस पर 25,000 रुपए का इनाम मेरे द्वारा घोषित किया गया है। और इसमें क्राइम की गंभीरता को देखते हुए ना सिर्फ पीड़ित के विरुद्ध क्राइम है, बल्कि ये स्टेट के विरुद्ध भी क्राइम है। और इसमें जो दूसरे हमारी एजेंसीज हैं वो सभी भी इसमें गहनता से देख रही हैं। इसी के क्रम में राजस्व विभाग के साथ मिलकर जो उनके द्वारा भूमि का अतिक्रमण किया गया था उस पर गिराया गया है। और इस प्रकरण में और ज़्यादा कठोर कार्रवाई जनपदीय पुलिस के द्वारा की जाएगी।